मस्जिद भी हो रही तो भी ताजी लग रही है। दीवार बिल्कुल मुड़ी हुई है। पानी भी यहाँ ऊपर जा रहा है। हो गया फोन। ओ यार जी। आ गया था। क्योंकि है राफी भाई का फ्रेंड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू ऑल आर वाचिंग जुनैद रईस व्लॉग्स। आज फ्रेंड्स हम फिर उत्तराखंड आए हुए हैं एक नई जगह को एक्सप्लोर करने। एंड दिस प्लेस इज़ कॉल्ड चकरौता। यहाँ से चकरौता अभी 22 किलोमीटर्स है। चकरौता से पहले हम अभी एक स्नैक ब्रेक के लिए रुके हुए हैं। और ये देखिए ऊपर बादल वगैरह आने शुरू हो गए हैं और मौसम थोड़ी देर में भी ठंडा हो जाएगा। और ये स्नैक के लिए हम यहाँ पर रुके हैं। हैव अ लुक। वैसे तो फ्रेंड्स लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन लॉकडाउन के अंदर भी घूमने का एक अलग मज़ा है अगर आप प्रिकॉशन लेते हो तो। फेस मास्क वगैरह लगा के रखो, सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करो। ये देखिए मेरे दो फ्रेंड्स। कैसा है व्यू वहाँ से? आम के बाग है? ऊपर कहाँ से गए तुम? Here you are at mango tree farm. That's the top peak. With leaves on it. Okay. And do you have few more fruits? I think this one is the highest peak. ये कैफे है। कैफे पे हम टी ब्रेक के लिए रुके हुए हैं। ये अपनी गाड़ी इनोवा। एंड माउंटेन पे अगर आप यहाँ पे आए तो बिल्कुल गाड़ी की फिटनेस वगैरह सब चेक करके आए, प्रॉपर एयर प्रेशर वगैरह। यहाँ पे रास्ते में झरने हैं, वाटरफॉल्स हैं और बहुत अच्छी जगह है। क्या नाम है बच्चा तुम्हारा? तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। आ रहा है एक सेकंड। ये देखिए सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं माउंटेन्स के, उत्तराखंड के। पहाड़ों की चाय। हाँ वैली का व्यू ले रहा हूँ। ये चकोतरे की एक अलग किस्म है। यहाँ पे लेमन भी अवेलेबल है अगर किसी को लेमन चाहिए हो तो। फाइनली फ्रेंड्स अपना टी ब्रेक पूरा कंप्लीट करके अब हम निकल चुके हैं सफर पे आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स जो लोग भी चकरौता घूमना चाहते हैं मैं उनको बहुत इजी वे समझा देता हूँ कि उनको कैसे चकरौता वो पहुँच सकते हैं। आप ऑल इंडिया कहीं से भी किसी भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट से आप देहरादून की फ़्लाइट पकड़ लीजिए और देहरादून की फ़्लाइट आपकी जॉली ग्रांट एक जगह है देहरादून में वहाँ पे आएगी। वहाँ से आप बाय रोड जैसे टैक्सी वगैरह आप हायर कर सकते हैं और आप हरबतपुर विकास नगर रोड आप देहरादून से उस साइड आ जाइए।
और विकास नगर जैसे ही आप आएंगे वहाँ से आपको कोई भी आपको बता देगा, बहुत पास में आप गूगल कर लीजिएगा, आपको चकरौता रोड मिल जाएगी। पहले ये 7-8 बजे के करीब बंद हो जाता था गेट, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चकरौता के लिए आप 24/7 कभी भी आ सकते हैं। बस विंटर सीज़न में अवॉइड करिएगा, समर में आप आइए, इन्जॉय कीजिए। यहाँ पे कॉटेजेस वगैरह हैं, बहुत इकोनॉमिकल हैं और बहुत अच्छी जगह है, आप आके एक बार ट्राई करिए। और ये उधर सारा फोटो शूट चल रहा है। तो ये हमारी वीडियो का आज फर्स्ट पार्ट था। शाम को हम अपने होटल पर पहुंच जाएंगे और काफ़ी देर हो जाएगी हमें होटल पर पहुंचते। तो मैं आपको कल का वीडियो जो है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाऊंगा कि चकरौता मॉर्निंग में कैसा लगता है। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि कितनी प्यारी जगह है। ओ भाई फोटो बम। विंटर का सीज़न होगा, यहाँ पे स्नोफॉल हर साल होती है और चकरौता आने का एक पहले टाइम होता था, यहाँ पे गेट बंद हो जाता था, लेकिन अब आप यहाँ पे 24/7 आप आ सकते हो। पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन के सारे पहाड़ धुआं धुआं हो गए, धुआं धुआं हो गए। सिंपल तो बनाओ यार। अरे यार ये है नहीं है, देख रखो थी तो इधर कितना बढ़िया वीडियो आती यहाँ से, जल्दी बनाओ यार। और आप जब भी चकरौता ट्रैवल करें तो अपने साथ विंटर क्लोथ ज़रूर कैरी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रात को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है एंड इट विल बी वेरी कोल्ड इन द इवनिंग। और ये खतरनाक रोड। वैसे तो रोड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको बीच बीच में लैंडस्लाइड्स मिल जाएंगी, तो आप एक प्रोफेशनल ड्राइवर के साथ ही यहाँ पे ट्रैवल करें। कार के व्हील्स, इंजन ऑयल, टायर्स, ये सब चेक कर कर ही ट्रैवल करें यहाँ पर, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। पार्ट टू ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने दिखाया है हेरिटेज कॉटेज ऑफ चकरौता, जहाँ पे हमने रात को स्टे किया था। बहुत अच्छी जगह है, बहुत इकोनॉमिकल है। और पार्ट थ्री में मैं आपको लेके जाऊँगा टाइगर फॉल, जो इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है। तो वीडियो देखते रहिए और इन्जॉय कीजिए। ये देखिए दोस्तों लैंडस्लाइड। चकरौता सी लेवल से 6950 फीट अबव है, तो जब आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जब भी चकरौता आएं तो प्लीज़ यहाँ पे किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन ना करें। आज का पूरा दिन हमारा ट्रैवलिंग में ही गुजरा है और कॉटेज पहुँचते पहुँचते हमें रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। कॉटेज से नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो मैं आपको पार्ट टू में दिखाऊंगा। वीडियो देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ब्यूटीफुल व्यूज आने वाले हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम चकरौता पहुँच गए हैं और रात हो गई है। तो नेक्स्ट डे की वीडियो मैं आपको पार्ट टू में दिखाऊँगा। जब तक देखते रहिए जुनैद रईस व्लॉग्स।